नमस्ते, फूड विस्टा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ, बना के आप लोगों के दिखाऊंगी। तो चलते हैं बनाने। तो पालक, बथुआ, सरसों, चने के हम अच्छे से साफ कर लिए हैं। तो अब इसको काट लेती हूँ अच्छे से। अब इसको बारी हुई काट लेती हूँ। तो सर्दियों के मौसम में इसको सब्जी बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होती है। तो यही तरीके से हम सारे सामग्री के काट लेती हूँ। चने की पत्ती, सरसों की पत्ती, पालक की पत्ती तो हम काट लेती हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने सामग्री लिया है, लहसुन पहले से छील लिए हैं, हरा मिर्चा बारीक हुई काट लिए हैं, ये लिए है हींग, नमक, सरसों का तेल। तो आग के मैं जला लिए हैं। अब इस पर रखती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, सरसों का तेल डाल देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम हींग का तड़का लगा लेती हूँ। तो अब डालती हूँ लहसुन। हरा मिर्चा डाल देती हूँ। हमारे लहसुन, मिर्चा, हींग का तड़का लगा लिया है। अब इसमें डाल देती हूँ सब्जी। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास आसान तरीके से पहुंच जाए। मैं थाली से ढक देती हूँ। तो बहुत धीमा आंच में पकाना चाहिए, इसलिए कि ताकि जले ही ना। तो मैं बहुत धीमा आंच में पकाऊंगी। तो एक बार मैं देख लेती हूँ। तो इसको चला देंगी। तो इसको सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो सर्दियों में इसको सब्ज़ी खानी चाहिए। तो एक बार मैं देख लेती हूँ फिर। तो सब्ज़ी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, तो बड़ी लाजवाब बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो सब्जी के हम अभी थोड़ा और पका लेती हैं, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। तो मैं इसको ढक देती हूँ। चावल और बजरी, गेहूं का आटा मिक्स कर लिया है, तो अच्छे से इसको गूंथ लेते हैं। तो इसी का हम आज पोचा बना के आप लोगों से दिखाऊंगी। तो आटे के हम गूंथ लिए हैं। अब इसके थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं। तो सब्जी हमारी पक गई है बहुत अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है दोस्तों। तो एक बार ज़रूर घर पर बनाएं। तो इसको हम उतार लेती हूँ। तो तवा हम चूल्हे पर रख दिए हैं। अब इसको पानी लगा के पहले चकई बना लेती हूँ। तो हाथ के सहारे हम चकई बना लिए हैं। अब इसको बड़ा करेंगे। तो पानी लगा के इसको बड़ा कर लेती हूँ। तो कोचा मैं बना लिए हैं।
अब तवा पर डाल देती हूँ। ऐसे करत भी नहीं करिए। सब्जी के साथ पोचा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो खाने में बहुत मीठा आता है। तो अब हम पलट देती हूँ। तो हरी सब्जी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी आती है दोस्तों, तो एक बार ज़रूर घर पर बनाएं। तो पानी के सहारे पोचा बहुत अच्छा बढ़ जाती है दोस्तों। तो पोचा हमारी हो गई है, अब इसको डाल देती हूँ चूल्हे में, इसको डाल देती हूँ तावे पर। तो पोचे के हम अच्छे से धीमी आंच में पकाऊंगी, नहीं तो जल जाएगी। पलट देती हूँ। तो कोचा हमारे बहुत अच्छे से हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुनहरा कलर का हो गई है। तो बहुत अच्छा पका हुआ है, तो अब इसको रख देती हूँ। तो पानी के सहारे हम चकई के बढ़ा लेती हूँ। तो हम कोचे के उतार के चूल्हे में डाल देती हूँ। पोचे के हम अच्छे से पका लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कोचा कितना अच्छा बन रहा है। कोचे के बहुत धीमा आंच में पकाने चाहिए ताकि अच्छे से कोचे अंदर तक पक जाए। तो इसको पलट देती हूँ। कोचे हमारे बहुत अच्छे से पक गया है, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत अंदर तक पका हुआ है। तो कोचा हमारी कितने अच्छे से फूल गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हमारी खिला खिला कोचा लग रही है। कोचा आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा फूला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ना बथुआ की सब्जी साथ में कोचा, नया धान की चावल बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।